जय गुरु। चलिए आज श्री श्री ठाकुर जी के बोले हुए कुछ वाणी सुनते हैं। दूसरे को क्षमा कर सकते हो अति उत्तम है, किंतु अपनी कमी को क्षमा नहीं करना, कमी तुम्हें अधिकृत कर लेगी, इसे सत्य समझना। चाल चलन के साथ साथ ही अपनी दोष त्रुटि को सुधारते रहो, इससे तुम्हारा पौरुष अव्याहत रहेगा। यदि सको पाने की इच्छा मत करो, दो जिससे दोगे उसका प्रयोजन जानने पर ही अपनी क्षमता के अनुसार दोगे, और यदि मांगना ही हो इसी प्रकार से मांगो जिससे मांगते हो, अनिच्छावश ही हो या अक्षमता बस ही हो, वो यदि नहीं दे सके तुम क्षुब्ध या विरक्त नहीं हो और वो भी नहीं हो। शत्रु के साथ यथासंभव विरोध मत करो, किंतु इसी प्रकार की बाधा की सृष्टि करके रखो जो दुर्भद्य दृढ़ अकाट्य हो। उसमें यदि सत प्रेरणा रहे शत्रु को समझने का अवसर मिलेगा और निर्विरोध भाव से शांति भी आ सकती है। शत्रुता को यदि जीवित रखोगे तुम्हारे बचने और चलने का विपरीत भी जीवित ही रहेगा। जितना शीघ्र हो विरोध और शत्रुता को मिटा दो। हिंसा के विरुद्ध अहिंस मत बनो, सत्ता के लिए अहिंस हो। रोग को प्यार नहीं करना, रोगी को प्यार करो, वही करो जिससे वो रोग मुक्त हो। सत को प्यार करो, असत को नहीं। जिससे प्यार करोगे वही तुम्हें अधिकृत कर लेगा, और वो जैसा होगा पुष्टि भी तुम्हें वैसे ही मिलेगी। क्रोधांत मत हो, बुद्धि विशृंखल होगी, अन्याय में प्रेरित होगी, तुम्हारी भी और दूसरों को भी क्षति होगी। वरुण तेजस्वी हो, कुप्रवृत्ति का खंडन करो, सूक्ष्म दृष्टि सहित सामंजस्य से सभी को स्वस्थ कर दो। जो लोग तुम्हारे होना नहीं चाहते किंतु तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, इससे सत्य समझो। क्रूर बुद्धि अंतरिक्ष में घात लगाए बैठी है, तुम्हारे साथ उनका खाद्य खादक का संबंध है। वे तुम्हें अपने अधीन करना चाहते हैं, विनिष्ट कर आत्मसात करना चाहते हैं। सावधान सोच समझ कर चलो, उसी के समक्ष निर्वस्त्र हो जो दीप्त सौंदर्य में तुम्हारा वस्त्र होकर रहे, उसी के लिए रिक्त हो जो तुम्हें पूर्ण कर दे पर्याप्त रूप से पवित्र विवेचना से, वही उन्मुक्त हो जो तुम्हें सभी ओर से मुक्त कर दे सकता है। ब्रह्म जिज्ञासा करे भय से विषादग्रस्त हो ठाकुर को निकट रु जानिया को चाहि छी मोर जते बेले कोनसे अभाव नै छते बेले कोन ए वाणी मो पई प्रजोच्य न होय, किंतु से गोटे छोटो उदाहरण दे जितना सब बुझाई देले अभाव समस्त निराकरण करो। भाविंग का संगे भावन थले से अभाव प्रयोजन से कम से कम कर परम सौभाग्य आपण पांच गुना अधिक होकर सभी प्रकार से सभी और कर भलो सुंदर भाव से भविष्य जैसा सब किसी रो नियामक जिससे तीन काल में कई मुहूर्त रो सानिध्य रे तक नहीं होना पड़े तो रो जो अनुभूति नहीं जाउ छी ताही को देखकर जीवन रो बहुत से कीट पतंग सत्व तो कथा आत्मसमर्पण करने तीव्र गति से दौड़
पढ़ते हैं। गोटे आलोचना प्रसंग हो जैसे माने वहाँ मौजूद रहते हैं, उनका प्रकाश से आसक्ति का अर्थ है उन्हें पकड़कर खाना उदर पूर्ति। इसी प्रकार के बैंक गिरगिट के सामान साधु आचार्य प्रेमी भी बहुत है, थोड़ा ध्यान देकर चलना। भगवान सभी के लिए समान है, प्रत्येक के अपने वैशिष्ट्य के अनुसार वे प्रत्येक के लिए दयालु है। उनकी ओर जितना अग्रसर होगे उनकी दया तुम उतना ही पाओगे। प्रवृत्ति के प्रेरणावश उनसे दूर जाने से वे तुमसे दूर ही रहेंगे। उनके विधान के रास्ते पर अग्रसर हो, उनके प्रकाश से प्रकाशित हो, तुम सभी उन्हें प्राप्त करो, उनका उपभोग करो। अपने गुरुजन को परम निष्ठा सहित सम्मान दोगे ही, और जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करते हैं उनके सम्मान को बचाकर रखने में यथायोग्य भाव से त्रुटि नहीं करो, ऐसा कि अमानी को भी उनके अनुरूप सम्मान देने में भूल मत करो। लोगों के सम्मान की रक्षा करने से तुम्हारा सम्मान भी जीवित रहेगा। वैशिष्ट्यवान बड़े वृद्धों का सम्मान करो, उनकी सेवा सहायता शुश्रूषा के माध्यम से उन्नत के अधिकारी हो, वैशिष्ट्य में सुष्ट वैशिष्ट्य का संग्रह कर सकोगे। ऐसे आचरण से उद्धन में द्रुत हो उठोगे। मनुष्य यदि मनुष्य के परिपूर्णी वैशिष्ट्य के निकट माथा नत करना नहीं जाने, ब्रह्मा या ईश्वर के निकट सर झुकाना, उसके द्वारा हास्य रस की एक सृष्टि को छोड़ और कुछ नहीं है, यदि देखना जानो और एवं ज्ञान हो। मुझे नवीन सेन की वही बात याद आती है, विध्वस्त मानव ना पूजीवे कि न वो लो क्षुद्र बालुकाए। तोड़ने में विवेचना करो, निर्माण में अग्रणी हो, विशेषतः प्रत्येक मांगलिक के निर्माण में अपनी प्रतिष्ठा मत करो। सुंदर भाव से सभी के भीतर आदर्श की प्रतिष्ठा करो, और उनके भीतर वो जितना सुंदर होगा, व्यापक होगा, स्थिर होकर रहेगा, उसी प्रकार निर्विरोध रूप से तुम भी प्रतिष्ठित होगे। जय गुरु।